हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में रिक्रूटमेंट आई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाली बटन दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। एम करते हैं 100 लाइक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हो PRT TGT PGT के लिए, तो सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100 रुपीज में एक्वायर कर सकते हो। अगर सिर्फ PRT की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है 100 रुपीज में जो 20 मॉडल सेट है वो आप देख सकते हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपकी तैयारी कितनी है। इसके लिए क्या करना होगा, yourmithunsinghsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। सूचना समाप्त हो गई, अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से आए हुए रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपके सामने डिटेल्स नोटिफिकेशन फॉर, ये देखिए पहला ही 2 सितंबर को यहाँ से आया हुआ है। इस PDF को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी और नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ओपन करके रख देता हूं, लेकिन पहले ही आपको सूचना दे दूं कि ये रिक्रूटमेंट एक्चुअली है कॉन्ट्रैक्चुअल, परमानेंट वैकेंसी ये नहीं है। देखिए 7-9 यानी कि 7 सितंबर को इंटरव्यू कराया जाएगा PGT राजनीति विज्ञान रसायन विज्ञान का, और TGT मैथ का भी इसी दिन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा इंटरव्यू 7-9-2022 को डॉक्टर MBBS के लिए लिया जाएगा। PGT की सैलरी होगी 27,500, TGT की सैलरी होगी 26,250 रुपये। वेबसाइट में आपको फिर से दिखा दूं, number 1 agrakent.kbs.ac.in पर आपको आना है। याद रखिए, अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वैलिड आधार कार्ड के साथ कोई भी, जिसमें कि आपका क्या हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस वोटर कार्ड हो सकता है, इसे लेकर जरूर आएँ। याद रखिए 10:30 बजे के बाद आपको इन नहीं करने के लिए दिया जाएगा। 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचने की कोशिश आप कीजिएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।